नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल हमारा बिहार में। आज 21 मई 2019 है और 21 मई 2019 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और वहाँ चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आप सारे वीडियो का लिंक भी प्राप्त कर लेंगे और सारे वीडियो का PDF भी एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स जो बिहार से जुड़े हुए हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस रेल मंडल में हाल ही में नया हेल्पलाइन नंबर 138 शुरू किया गया है? तो बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल में 198 टोल फ्री नंबर शुरू किया गया है, ठीक है। और इस टोल फ्री नंबर के द्वारा यात्री चिकित्सा सहायता से लेकर ट्रेन के आगमन व प्रस्थान की वास्तविक जानकारी ले सकते हैं, कोच में गंदगी, बिजली और पानी की समस्या भी बता सकते हैं और जंक्शन पर सीट की जानकारी के लिए PNR नंबर की जांच भी कर सकते हैं। अब ये शुरू किया गया है समस्तीपुर रेल मंडल में। तो चलिए बिहार के मैप में देखते हैं समस्तीपुर कहाँ पर है। तो कि ये आ गया बिहार और ये रहा समस्तीपुर। समस्तीपुर का सीमा किस किस जिला से सटा हुआ है? तो वैशाली है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, सहरसा है, खगड़िया है और बेगूसराय है, ठीक है। और ये समस्तीपुर और पटना के बीच में गंगा नदी बहती है, ठीक है। तो चलिए इसको बिहार के मैप में देखते हैं कि गंगा नदी कैसे बहती है। देखिए, ये समस्तीपुर रहा हुआ और ये हुआ पटना, और दोनों के बीच में देखिए ये रहा गंगा नदी। गंगा नदी बिहार में बक्सर से प्रवेश करती है, ठीक है, और उसके बाद कटिहार के बाद वो फिर पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। अब नाम आया समस्तीपुर का, तो चलिए समस्तीपुर के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। समस्तीपुर का क्षेत्रफल हो गया 2904 वर्ग किलोमीटर। यहाँ का जनसंख्या है 42,61,566 व्यक्ति। जनसंख्या घनत्व हो गया 1,476 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यहाँ का साक्षरता दर हो गया 61.86%। और समस्तीपुर का लिंगानुपात है 911 महिला प्रति 1000 पुरुष। प्रमुख नदियाँ हो गया बूढ़ी गंडक, कोसी और बलान। और प्रमुख उद्योग हो गया चीनी उद्योग, जूट उद्योग और कागज उद्योग, ठीक है। ठाकुर पेपर्स मिल्स, जो बिहार का प्रसिद्ध पेपर मिल्स है, वो समस्तीपुर में ही है। और समस्तीपुर में विश्व का प्रसिद्ध एक कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है, जिसका नाम है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जो कि समस्तीपुर के पूसा नामक स्थान में है। तो समस्तीपुर से इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रणधीर वर्मा अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट में फाइनल में कौन सा जिला पहुंचा है? तो रणधीर वर्मा अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में खगड़िया और गया जिला पहुंचा है, और इसी दोनों के बीच फाइनल का मुकाबला खेला जाएगा, ठीक है। अब नाम आया है खगड़िया जिला का और गया जिला का। तो चलिए दोनों जिला का लोकेशन देखते हैं बिहार के मैप में कहाँ पर है। देखिए, ये आ गया बिहार का मैप और नीचे ये रहा सबसे पहले गया जिला। तो गया जिला का सीमा किस किस जिला से सटा हुआ है? तो औरंगाबाद है, अरवल है, जहानाबाद, नालंदा और नवादा है, ठीक है। और ये नीचे जो देख रहे हैं ये क्षेत्र है, ये झारखंड का है, ठीक है। तो गया जिला झारखंड से भी सटा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं खगड़िया जिला कहाँ पर है। तो देखिए, ये रहा खगड़िया जिला। खगड़िया जिला का सीमा किस किस जिला से सटा हुआ है? तो सहरसा है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, मुंगेर है और भागलपुर है, ठीक है। और नाम आया है गया जिला और खगड़िया जिला का। तो चलिए दोनों के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं। खगड़िया जिला का स्थापना हो गया 1980 में। क्षेत्रफल इसका हो गया 1,486 वर्ग किलोमीटर। यहाँ का जनसंख्या हो गया 16,66,886 व्यक्ति। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व हो गया 1,122 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और खगड़िया जिला का जो साक्षरता दर है वो है 57.52%। और लिंगानुपात हो गया 886 महिला प्रति 1000 पुरुष। और यहाँ का जो प्रमुख नदी है गंगा और कोसी है, ठीक है। अब गया जिला के बारे में जानते हैं। गया जिला का स्थापना 1865 में हुआ था। क्षेत्रफल हो गया 4,976 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या हो गया 43,91,418 व्यक्ति। और जनसंख्या घनत्व हो गया 883 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और गया जिला का साक्षरता दर है 63.67%। और लिंगानुपात हो गया 937 महिला प्रति 1000 पुरुष। और यहाँ का प्रमुख नदी फल्गु नदी है। फल्गु नदी का नाम आया, तो चलिए फल्गु नदी के बारे में जानते हैं। फल्गु नदी की लंबाई बिहार में
235 किलोमीटर है। ठीक है, फल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। और बिहार में सबसे ज़्यादा गर्मी तथा सबसे ज़्यादा ठंडा गया जिला में पड़ता है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है, और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुआ था। और निरंजना नदी किस नदी का नाम है, तो फल्गु नदी का ही दूसरा नाम निरंजना नदी है। विष्णुपद मंदिर गया में है, जिसका निर्माण अहिल्याबाई ने करवाई थी, जो कि इंदौर की महारानी थी। ठीक है, अब गया से कुछ ही दूरी पे है बोध गया, तो चलिए बोध गया के बारे में भी जानते हैं। बोध गया भी फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है, और फल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं। बोध गया को उरुवेला के नाम से भी जाना जाता था। 500 ईसा पूर्व में बोध गया में वट वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और बोध गया के महाबोधि मंदिर को 2002 में यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया था। तो बोध गया से भी इतना याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बियॉन्ड मधुबनी पत्रिका का लोकार्पण किस बैंक के द्वारा किया गया है? तो बियॉन्ड मधुबनी पत्रिका का लोकार्पण किया गया है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। और इस पत्रिका में बिहार की कला एवं संस्कृति की छुपी विरासत के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर प्रेम कुमार का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो डॉक्टर प्रेम कुमार एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कमेंटेटर थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बी हो गया। ठीक है, डॉक्टर प्रेम कुमार बिहार ओलंपिक संघ के आजीवन अध्यक्ष थे, और अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषा के ये कमेंटेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हो रहे NLP यादव मेमोरियल सैंड एथलीट्स प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ एथलीट का खिताब जीता है? तो इस प्रतियोगिता में चंदन कुमार ने सर्वश्रेष्ठ एथलीट का खिताब जीता है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति का संदेश लेकर साइकिल से यात्रा पर निकले प्रदीप राठौर हाल ही में बिहार पहुँचे हैं, ये कितने राज्यों की यात्रा पर निकले हैं? तो प्रदीप राठौर 21 राज्यों की यात्रा पर निकले हैं, और ये हाल ही में साइकिल से बिहार पहुँचे हैं। ठीक है, और 21 राज्यों में साइकिल से यात्रा कर ये शांति का संदेश दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों इस वीडियो का PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पे आप सारे वीडियो का PDF भी एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं, और सारे वीडियो का लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।